सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि फ्रैंकलिन ने माइकल के घर से एक गाड़ी चोरी की थी जो कि माइकल ने पकड़ ली थी, और भाई उसने माइकल ने फ्रैंकलिन को मारा नहीं, बिकॉज उसको पता था कि ये तो अपनी जॉब कर रहा है, इसके पीछे का जो मेन बंदा है वो है उसका लाइक मैनेजर। तो उसकी धुनाई उसने बहुत तगड़े तरीके से की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे मैं दे देता हूँ, आप प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देख लेना, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो भाई सुबह सुबह माइकल को पता चलता है कि उसके बेटे ने ना किसी से उधार लेके देख सट्टा लगाया हुआ था IPL पे। तो IPL के सट्टे की वजह से उसके बेटे को उसने कर लिया है किडनैप पैसों की रिकवरी के लिए, और साथ ही साथ वो माइकल की बोट भी उठाकर ले गया है। तो माइकल को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। फिलहाल फ्रैंकलिन को लेकर माइकल जा रहा है उससे बदला लेने के लिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी चीज़ कोई होने वाली है, बिकॉज उन लोगों ने जिसने इसका बेटा उठा लिया साथ में बोट भी, वो छोटे मोटे लोग तो नहीं होने वाले हैं। तो भाई क्या होता है ये देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मिशन। तो भाई अभी अभी जो लोग हमारे सामने से निकले ना, वो इसकी बोट लेकर जा रहे हैं, उसी में इसका बेटा भी है। तो भाई मेन इस मिशन में क्या करने वाले हैं, फिलहाल तो लाइक ट्रक का पीछा करने वाले हैं। उस बोट को और उसके बेटे को, दोनों को हमें सही सलामत बचाना है, यही है हमारा मिशन। फिलहाल फ्रैंकलिन जो है वो आगे की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है, तो शायद ये यहाँ से कूदने की कोशिश कर रहा है, और ऑब्वियसली बात है गाड़ी से तो कर नहीं पाएंगे। तो फ्रैंकलिन ने कूद कर लाइक डायरेक्ट ट्रक पे कूद कर अपनी एंट्री कर ली है ट्रक पे, और भाई वो वहाँ से मोर्चा संभालता और मैं गाड़ी के साथ साथ इस ट्रक के पीछे लगा हुआ हूँ। रोड हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा तो है नहीं कि उसमें बहुत सारे कट्स एंड लाइक टर्न्स हैं, लेकिन फिलहाल हमारी गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है और हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं। भाई मैं ऊपर से देख रहा हूँ कि फ्रैंकलिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है उस बंदे के साथ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद ठीक से नहीं हो पाएगा, मुझे गोलियाँ चलानी पड़ेंगी, और अगर ये बंदा अगर मुझसे नहीं मरा तो फ्रैंकलिन को ज़रूर उठाकर फेंक देगा। पर ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा उस वाले रूट पर, बिकॉज मैं दूसरे रूट पर आ गया हूँ। फिलहाल ट्रक से फूटते फूटते बचा हूँ बिल्कुल। तो मैं मेरी 2-3 गोलियों में से एक गोली लग गई उस बंदे के माथे पर, फ्रैंकलिन हो गया है बिल्कुल ठीक। लेकिन भाई अभी भी वहाँ पर झड़प चल रही है, और जो माइकल का बेटा है वो भी अभी उस बोट पर ही है। तो भाई बहुत इंटेंस फाइट अभी चल रही है, और इंटेंस फाइट के चक्कर में उन्होंने माइकल के बेटे को लटका दिया है भाई बोट के उस हैंडल से। अगर ये लाइक गाड़ी में नहीं गिरा तो ये मर जाएगा। तो गाड़ी बिल्कुल उसके नीचे ही है, अगर वो गिरा तो बच जाएगा, और भाई बच गया, माइकल के बेटे को बचा लिया गया है। और अब सिर्फ फ्रैंकलिन बाकी है जो कि उस बोट पर है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुशक्कत हमें नहीं करनी पड़ेगी, फ्रैंकलिन खुद ही कूद जाएगा बिल्कुल। एक चुस्त दुरुस्त बंदा है, इस माइकल के बेटे मोटे की तरह नहीं है, ही इज़ वेरी गुड। बट जैसे ही भाई वो कूदा है ना, वो सीधा इंजन के ऊपर कूदा, और गाड़ी हमारी बोल गई है कि भाई अब तो मुझसे ना हो पाएगा। वो लोग बोट लेकर तो निकल गए हैं, बट फिलहाल हमने इसके बेटे को बचा लिया है। बेटा बचा लिया, बोट तो दोबारा भी खरीद लेंगे, लेकिन अभी माइकल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ये सोचकर कि भाई उसके बेटे की वजह से उसकी बहुत प्यारी और बहुत महंगी यॉट, उसकी बोट चली गई है। भाई फ्रैंकलिन जो है वो उसका पूरा साथ दे रहा है कि भाई कोई बात नहीं, बोट दोबारा आ जाएगी, उनको हम ट्रैक कर लेंगे, बोट मिल जाएगी। और वो कह रहा है नहीं, ऐसे नहीं होता है, पहले तो इसकी खाल तारूँगा घर ले जाके, ऐसी बेल्टों से मारूंगा इसको मूटे को, मैं खिलाऊंगा इसे IPL, मैं लगवाऊंगा इसका 1 का डबल। पर भाई फिलहाल गुस्सा उसका शांत होने की लाइक होने का नाम ले नहीं रहा है, बिकॉज गाड़ी के अंजर बंजर हो गए ढीने। फ्रैंकलिन ने उसकी बहुत हेल्प की, इसलिए वो फ्रैंकलिन पे गुस्सा नहीं है, लेकिन अब वो जाना चाह रहा है इस गाड़ी को ठीक कराने के लिए। भाई फिर उसे याद आता है कि उसकी एक बिजनेस मीटिंग भी है, तो वो लाइक फ्रैंकलिन को बोलता है कि अरे मेरे लिए कैब बुक कर दे, और इस गाड़ी को ठीक करा के मेरे घर पर डिलीवर कर दियो, बट याद रहे मेरी वाइफ से छेड़छाड़ नहीं। ऑलरेडी एक बंदा लगा हुआ है उसके पीछे, कोच जो है। तो भाई अभी फिलहाल उसके लिए कैब तो बुक कर दी है माइकल, फ्रैंकलिन ने माइकल के लिए कैब तो बुक कर दी है, पर ये गाड़ी ठीक से चल नहीं पा रही है, बीच बीच में अपने आप ब्रेक ले रही है ये। और अब हम जा रहे हैं सीधा उसी लोकेशन की तरफ जहाँ पर ये रिपेयर होने वाली है और माइकल की कैब भी आने वाली है। तो भाई अभी तक आपने वीडियो जो देखा वो कैसा लगा? कुछ स्टोरी लाइन में कुछ चेंजेस मुझे करने चाहिए, या आपको लगता है कि लाइक कुछ और एक्शन हम लोग इसमें ऐड कर सकते थे? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन का यूज़ करना और बताना कि हम क्या करें तो लाइक गेम प्ले थोड़ा और बेटर बन पाए।
ग्राफिक्स आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, बिकॉज भैया मुझे इतने अच्छे ग्राफिक्स है ना मुझे खुद किसी वीडियो में नहीं मिले अभी तक, इट्स एक्सट्रीम। एसुस गेमिंग लैपटॉप इज लाइक द बेस्ट, आँख बंद करके ले लो यार, बहुत अच्छे लैपटॉप हैं। तो भाई फिलहाल माइकल की कैब आ गई है, कैब के पास ही हम लोग जा रहे हैं और रिपेयर सेंटर भी यहीं पर है। हमने दोनों की लोकेशन पिकअप लोकेशन यही डाली थी क्योंकि लाइक रिपेयर करने में टाइम लगने वाला है, तो हमने उसके ज़्यादा वेट ना कराते हुए माइकल को बोल दिया तो यहाँ से कैब ले ले, और वो हमको बोल के गया है कि भाई गाड़ी ठीक करा के टाइम से घर पहुँचा देना। और भाई जो मोटा है ये पीछे बैठे बैठे थक गया था, कहता मैं आगे आऊँगा मेरे को आगे बैठना है। माइकल ने बोला इसका दो रैप ने मारियो अगर ये ज़्यादा बोले तो, सुनने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। मोटा कहता है भाई चिल मारो अब मैं वापस आ गया हूँ ना, मैं देखो तो मैं कैसी पार्टी कर रहा हूँ। अरे भाई मैं बोलता तो अपनी पार्टी रख अपने पास में और ऐसे बखेड़े दोबारा खड़े मत करना, बिकॉज मैं उस बोट से दो तीन बार गिरा हूँ आज, हाथ पैर दोनों ढीले ढीले हो चुके हैं। और फिलहाल इस गाड़ी को करेंगे रिपेयर और फिर जाएंगे इसके घर पर, बिकॉज ये गाड़ी जो है ये माइकल की नहीं है, थोड़ी सी फास्ट है इसलिए माइकल इस गाड़ी को लेकर आ गया था। ये है माइकल की बीवी की कार, और भाई ये ठीक नहीं हुई तो उसने कर देना है गणेश, ना तो मिलेगी दाल रोटी और ना मिलेगी उसको छोड़ देता है। तो भाई फिलहाल इसकी पूरी रिकवरी हो चुकी है। और यार मुझे आप सबसे एक बात और पूछनी थी कि अगर मैं स्टोरी मोड में मोड्स का यूज़ करूँ और मैं बहुत ही सुपर नेचुरल पावर के साथ ये डेली स्टोरी वाले जो मिशन होते हैं इनको करूँ, तो क्या आप लोगों को पसंद आएंगे, या मैं एक नॉर्मल बंदे की तरह जो नॉर्मल गेमर होता है पूरा स्ट्रगल करके पूरा मिशन कंप्लीट करूं तभी सही रहेगा? बिकॉज मैंने मोड्स इंस्टॉल कर लिए, अगर मैं मोड्स के साथ करूँगा ना तो भी सुपर नेचुरल पावर्स, हाई जंप, मरेगा नहीं बंदा, उस पर गोली नहीं लगेगी, सुपर कार्स होंगी चलाने के लिए, लेकिन वो स्ट्रगल नहीं होगा जो हर गेमर के लिए होता है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन का यूज़ करो और बताओ कि क्या मुझे सुपर नेचुरल पावर्स के साथ या मोड्स के साथ मिशन करने चाहिए, या फिर मैं नॉर्मल तरीके से अपना लगा रहूँ और आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाकर लाता रहूँ। तो भाई फिलहाल ये गाड़ी जो है ये रिपेयर हो गई है और अब इसको लेकर जा रहे हैं इस मोटे की मम्मी के पास, जो कि मोटी तो बिल्कुल नहीं है, कोच के साथ उसने मैंने देखा था। तो भाई ज़्यादा देर ना लगाते हुए हम जाएंगे अब सीधा इसकी लोकेशन पर। और भाई मोटा है ना बीच बीच में भाई मेरा बिल्कुल फैन हो रखा है कि भाई मेरे फादर ने कभी उतनी मेरी केयर नहीं की जिस तरह के रैंडम बंदा आके कर रहा है। आई नो तूने गाड़ी चुराई थी हमारी, लेकिन तू बहुत बढ़िया बंदा है। तो भाई जैसे तू मेरे को घर लेके जा रहा है ना, ऐसे ही हम लोग कभी मिलते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, और मैं तुझे ना एक बुखी के पास लेके जाता हूँ, वो सट्टा भी अच्छा लगाता है भाई। तभी मेरा ऐसा थप्पड़ मारने का मन किया था ना इसको, भाई तेरे सट्टे के चक्कर में तो आज हमारे यहाँ फट्टे लगे पड़े थे, तो उन फट्टों को ना दोबारा बढ़ाते हुए हम जा रहे हैं सीधा घर, और तू बैठ चुपचाप बिल्कुल। उस दिन भाई बोले जा रहा है कि यार नहीं ऐसा नहीं है, हम पार्टी करेंगे, हम मैच देखेंगे, कोहली पे पैसे लगाएंगे। नहीं भाई नहीं लगाने हैं पैसे, गलत चीज़ होती है ये। सो फिलहाल हम इसी घर के पास पहुंचने वाले हैं। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही था, बिकॉज मेन पार्ट जो था वो था उस यॉट से बचाने वाला मिशन। और भाई इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आप सब अपने घर वालों का रखो ध्यान, और आप सबको राम राम। प्लीज़ कमेंट सेक्शन का यूज़ करके बताओ यार कि क्या और इंटरेस्टिंग किया जा सकता है, और क्या आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। अगर हाँ तो लाइक बटन ठोक देना यार। बाय। So, like,